नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोमेट्रिक स्कैन जो हो रहा है, ठीक, उस समय भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं माना था, तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। बायोमेट्रिक स्कैन जो है वो दोबारा हुआ है, ठीक, और दोबारा हुआ है, कुछ जगह हो चुका है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में जो है वो चल रहा है। देखिये, ये एक FIR हुई है और 7/7/2023 को ये आपका जो है FIR हुई है, मतलब इसी महीने 7 तारीख की FIR हुई है। ये सेक्शन आपके लगाए गए हैं और FIR में क्या है कि बस वही जो आप लोग समझ रहे हैं, ये SP हैं ट्रेनिंग सेंटर सुल्तानपुर में, उन्होंने जो है ये आपकी FIR कराई है। और उसमें क्या चीज है, ये एक नाम है भाई ध्रुव चौधरी, ठीक, ध्रुव चौधरी नाम के एक जो है भाई साहब जो है, उन्होंने क्या करा, वही काम करे जो नहीं करने चाहिए थे इनको। मथुरा के रहने वाले हैं ये और पिताजी का नाम जो है इनके करमवीर सिंह है, ठीक। और दूसरा अज्ञात में जो है वो डाला गया है, तो अज्ञात में क्या है, अज्ञात में सिर्फ ये है कि भाई इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जिसने इसको कहा होगा, मतलब जिसके थ्रू इसने जो है अपना पूरा पूरा जो है जो भी जिसके थ्रू बैठा, जो भी इसका जो है वो होगा ब्रोकर होगा उसके थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात है, नकल तहरीर है कि भाई जो है इसकी नकल करी गई है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है, देखिए ये वाला सीन पड़ी है, इसमें चकमा देकर चला गया था। इसमें क्या करा कि जब साथ साथ इनको भर्ती बोर्ड की टीम द्वारा बायोमेट्रिक 57 किए जाना है, तो मैं बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल गया तथा संस्था में वापस आते समय बायोमेट्रिक क्लोन बनवाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन लखनऊ से अहमद को चकमा देकर चला गया था। आज इस उद्देश्य से मैं आया था कि शायद अंगूठा निशानी क्लोन से बायोमेट्रिक परीक्षण में सफल हो जाऊंगा। संस्था में नियुक्त सूबेदार सैन्य सहायक श्री मुन्नीलाल यादव द्वारा भी ये बताया गया था कि उक्त 2/7 को लखनऊ गया था। मुख्य परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, उसका अंगूठा निशानी का क्लोन कहां पर और किसके द्वारा बनवाया गया, इसके संबंध में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पकड़े गए प्रशिक्षु के अंगूठे से उतारे गए स्किन नुमा बायोमेट्रिक क्लोन को फोटोग्राफी कराते हुए कब्जा पुलिस में मौजूद रूबरू गवाह पॉलिथीन में रखकर, मतलब एक तरीके से उसको भेज दिया गया FSL में। और उसके बाद जो है इसमें अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र करके छल नौकरी प्राप्त करने के लिए 12/3 से प्रारंभ प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया था। मतलब आप सोचिए कि 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, लगभग 4 महीने करीब जो है इनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, ठीक है। बैकग्राउंड में जो नॉइस है वो थोड़ी सी बारिश की नॉइस है, बहुत तेज बारिश पड़ रही है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में किसी भी प्रकार का कोई अभी तक लड़का नहीं पकड़ा गया है, जहां तक पुलिस अकेडमी मुरादाबाद की बात है तो पुलिस अकेडमी में कोई लड़का नहीं पकड़ा गया है। अभी PTS और PTSC में चल रहे हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा है, वहां पर भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अगर कोई खबर होगी तो आपको तुरंत बताई जाएगी। इस चीज को लेकर जो है एक सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली गई थी जो कि एक्सेप्ट हो गई है। कल कुछ लड़कों का फोन मेरे पास आया था, एक्सेप्ट हो गई है और उस एक्सेप्ट उसमें वही बेस जो है वो करप्शन का बनाया गया है। उसमें ये भी एक जो है जो FIR की कॉपी है, ये भी एक एज अ प्रूफ की तरह माना जाएगा उसमें। अब देखिए क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चे गए हैं तो मेरे ख्याल से आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट उनको करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट के बिना सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता, बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी। बाकी जो नई भर्ती के बारे में जो सूचना है वो आपको नियमतः देते रहेंगे। नई भर्ती के लिए ये है कि अभी कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और उससे पहले आपका जो है रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम वो होगा, उसके बाद ही आप दरोगा का समझ के सकिए कि हाँ दरोगा जो है वो आएगी वैकेंसी, ठीक। अब ये नहीं कह सकते कब आएगी, इस साल भी आ सकती है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। अध्याचन आ चुका है, अध्याचन का मतलब ये नहीं है कि इनको वैकेंसी निकालनी ही निकालनी है। हो सकता है कि थोड़ा वेट करके, अभी प्लाटून कमांडर के उसमें पद नहीं है, अभी फायर पुलिस के उसमें पद नहीं है, वो भी इसमें जो है इंक्लूड कर लिए जाए।